हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सागर मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल पर। और आज हमारे पास है भाइयों नोकिया 2.1। नोकिया 2.1 इसका मॉडल नंबर है TA1086 TA1086। और आज हम इस फ़ोन को आपके सामने हार्ड रिसेट करके दिखाएंगे। तो ठीक है, आप ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है हार्ड रिसेट करने का, और वो मैं तुम्हें आज समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में सारी बातें क्लियर कर लूँगा सारा कुछ, ठीक है, कौन सी कीज हैं और किस तरीके से काम करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको स्विच ऑफ कर देना है, पावर ऑफ कर देना है। और पावर ऑफ करने के बाद आपने इसमें USB केबल, चार्जिंग केबल, डाटा केबल, कुछ भी जो आपके पास है वो इसमें लगाइए और चार्जिंग होने का वेट कीजिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है, इसके बिना आपका हार्ड रिसेट नहीं होगा। और जैसे ही आपकी चार्जिंग चलेगी, देखिए इस फ़ोन में चार्जिंग आ चुकी है, और जैसे ही आपकी चार्जिंग चलेगी तो वॉल्यूम प्लस और पावर की दोनों को आपने प्रेस करके रखना है। वॉल्यूम प्लस और पावर की दोनों को आपने प्रेस करके रखना है। ठीक है, और पावर वाला एंड्रॉयड का लोगो जैसे ही आएगा तो आपने पावर की को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम प्लस की को आपने होल्ड करके रखना है। ठीक है, अभी हमारे पास ये एंड्रॉयड का एक पॉपअप आया है, एक स्क्रीन आई है नो कमेंट की। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि वॉल्यूम प्लस की को एक बार दबाना है, लेकिन उससे पहले पावर की को होल्ड करके रखना है। पावर की को होल्ड करके रखना है और फिर एक बार वॉल्यूम प्लस की को दबा देना है, आपके सामने रिकवरी ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने फैक्ट्री रिसेट करना है, इसको वाइप डाटा करना है, वाइप डाटा पे लेके जाइए और पावर की से ओके कीजिए। ठीक है, अभी आपका फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। एक बार केस पार्टीशन को भी मैं इसमें फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसके फ़ोन को ऑन होने का वेट करते हैं। अभी जो भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड था इस फ़ोन में वो सारा कुछ रिमूव हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद ये गूगल अकाउंट मांगे, FRP का लॉक लगा हुआ हो। तो अगर आपको FRP बाईपास करना है, 2.1 का नोकिया 2.1 का FRP बाईपास करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने ये बताया है कि इस फ़ोन की कैसे FRP गूगल अकाउंट को रिमूव किया जाता है एंड्रॉयड 10 की सिक्योरिटी पे। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगर मैं इसी वीडियो में FRP की वीडियो को ऐड करता तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाती। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि ये जल्दी से ऑन करके मैं तुम्हें दिखा दूँ कि हाँ वाकई में ये हार्ड रिसेट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं इसके ऑन होने का, थोड़ा सा लंबा समय लेता है ये, क्योंकि काफ़ी छोटा फ़ोन है ये नोकिया का, 8 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारी वेलकम स्क्रीन मिल चुकी है, यानी कि हमारा हार्ड रिसेट कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे की वीडियो, अगर आपको FRP बाईपास करना है तो इसके आगे की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।